श्रृंग ऋषि मिलेंगे। तुम अपनी समस्या का समाधान उनको अवश्य बताना। तो पारिश्रमण महाराज, क्यों ना हम अपनी सेना लेकर ऋषि श्री के पास चले। नहीं राजन, तुम अपनी सेना लेकर उनके पास नहीं जाना। तुम अकेले ही उनके पास जाओ और अपनी समस्या का समाधान उनको बताना। जो वाक्य ऋषिवर, मैं जैसे भी अपना कर्तव्य निभाने श्री ऋषि के पास जाऊंगा और अपना दुख का समाधान उनको बताऊंगा। आप धन्य हैं ऋषिवर, आपने मेरा मार्गदर्शन किया। मैं नंगे पांव महेंद्र पर्वत जाऊंगा। ठीक है राजन, आप शीघ्र ही वहां की जाने की तैयारी करो। चलो आर्यसमन, हम चलते हैं। हेलो, ताड़ियां मार दो बेटा ताड़ियां। प्रणाम ऋषिवर। तथास्तु। ऋषिवर, मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूँ। कैसा नाम हुआ राजन, अपनी समस्या बताओ। ऋषिवर, मैं बहुत दुखी हूँ। क्या हुआ राजन, ऐसी कौन सी समस्या आ गई तुम्हारे राज्य में? नहीं ऋषिवर, राज्य में नहीं, वो स्थिति मुझ पर आई है। बताओ रायन, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? ऋषिवर, मैं अयोध्या का राजा दशरथ, मेरा इतना बड़ा राजपाट और मेरी इस राजपाट और सुंदर नगरी को संभालने के लिए मेरा कोई भी अंश नहीं है और मेरी चारों रानियां ही संसार है। तो आप भी मेरा मार्गदर्शन कीजिए। ये आयन, तुम बहुत दूर से चलकर आए हो, थोड़ी देर विश्राम कर लो, फिर मैं तुम्हारी समस्या का हल बताता हूँ। नहीं ऋषिवर, मुझे विश्राम नहीं करना, मुझे बस आप समाधान बताइए। क्या समाधान है ऋषिवर, कृपया आप जल्दी बताइए। ठीक है, फिर मैं तुम्हारी समस्या का तुम्हें समाधान देता हूँ। मैं तुम्हें एक टोल खीर देता हूँ, तुम अपनी रानियों को सबको थोड़ी थोड़ी देना। चलो, इससे तुम्हारे घर में संतान अवश्य होगी। जो आज्ञा ऋषिवर, मैं आपके इस खीर के लिए क्या खर्च कर सकूं? मेरा यह ये तो मेरा धर्म है, इसमें कोई कर्ज की बात नहीं है। अब आप हमें जाने की आज्ञा दीजिए ऋषिवर। आयुष्मान भारत बोल। सियापति रामचंद्र महाराज की, लक्ष्मण जति की, पवन पुत्र हनुमान की। चली का तुम्हारे
पॉइंट पॉइंट गाओ भाई, कौन सी पॉइंट के साथ साथ ना एक डांस अभी और करना दरबार लगेगा, उसके लिए हमारे पास जो डांसर है वो चल गए बराबर, एक गाने को डांस करने पैना जल्द दरबार, ठीक है? तुम्हें दसो जेड़े मर्जी कर जेड़े करोगे, थोड़ी देर सोच लो दो चार मिनट फिर करना, ठीक है? तो पॉइंट गाओ चलो शाम। How beautiful is the rain after the dust and heat in the modern fairy street in the narrow lane. How beautiful is the rain. How it clatters along the roof like a tramp of hooves. How it gushes and struggles out from the thought of overflowing spouts across the window pane. It pours and pours and swift and wide in the muddy tide like a river down the gutter road. The rain, the welcome rain. Thank you. रिसीवर, मैंने तो अब तक अपनी रानियों को खीर भी खिला दी पर अब तक कोई संदेशा नहीं आया। हे राजन, आप थोड़ी वेट करो। जो आज्ञा रिसीवर, मैं तो प्रतीक्षा ही कर रहा हूँ कब मुझे कुछ खुशखबरी मिले और मेरे इस अयोध्या नगरी में खुशी के दो नगाड़े बजे। क्या कहा मंत्रीगण, ये तो बहुत खुशखबरी की बात थी तुमने तो, मेरे घर पुत्र ने जन्म दिया, ये लो इनाम लो और बैठो। ऋषिवर, आपकी ही इस कृपा से मेरे घर पुत्र ने जन्म लिया है। महाराज की जय हो, महाराज, कई माता ने पुत्र को जन्म दिया। क्या केत ने पुत्र को जन्म दिया है, ये तो बहुत खुशखबरी की बात हुई। लो इनाम लो और तुम भी बैठो। कोई बात नहीं, दो पुत्र ने जन्म दिया है, ये तो बहुत ही खुशखबरी की बात है। ये लो इनाम लो, तुम भी स्नान करो। रिसीवर, मेरे इस अयोध्या नगरी में चार चार राजकुमारों ने जन्म लिया है। मेरी इस अयोध्या नगरी खुशी से हरी भरी हो चुकी है, तो इसका श्रेष्ठ आपको भी जाता है। रिसीवर, सब आपकी कृपा से है। हे राजन, ये तुम्हारा ही संघर्ष है। जो आगे रिसीवर, इस खुशी के मौके पर कुछ नाच गाना तो होना ही चाहिए। हमारे इस अयोध्या नगरी में राजकुमारों ने जन्म लिया है। शीघ्र करो महाराज, तारियां मार दो पुत्र, तारियां। अज लावा मजबूरी नू, आन जान की पसूरी नू, जहर बने आके ही जावा मैं पूरी नू, आना चाहिए नहीं आया, दिल बांग बांग मन टकराया, कागा कोल के दस जाए, मावा क्यों दी चूरी नू, रावा च बावा च ओनू लुकावा कोई मैनू ना रोके, मेरे गाँव साथ तेरा है बतेरा, भूल कर जरूरी ना।
मजबूरी नू आन जान ती पसूरी नू जहर बने हाँ तेरे बेजावा मैं पूरे नू रावाच बावाच ओनू लुकाव कोई मैनू ना रोके मेरे बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। और खोलो पुत्र पट्टा खोलो जी। और इसमें योद्धा के चारों ओर ढोल नगाड़े बजवा दो की योद्धा में चार चार पुत्रों ने जन्म लिया है और योद्धा नगरी हरी भरी कर दो, दिए जलाओ, पटाखे उड़ाओ। ठीक है महाराज, यह दिया किया गया। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की, लक्ष्मण जी की। हमारे राज्य का क्या समाचार है? आजकल हमारे राज्य में कोई शोर शराबा दिखाई नहीं दे रहा, सब ऐसे ही बैठे हैं। महाराज, जब से आप नगरी से बाहर गए हैं तब से हमारी नगरी में सूखा पड़ गया है। खाने को अनाज नहीं है और पीने को जल नहीं है, इसलिए हमारी नगरी के कुछ वासी हमारी नगरी छोड़कर जाने पर मजबूर हो गए हैं। क्या कहा? हमारे राज्य में जल की व्यवस्था नहीं है, ऐसा कैसे हो गया? हमारे राज्य में खाने के लिए कुछ नहीं रहा? नहीं मंत्री, ऐसा नहीं हो सकता। हे ऋषिवर, इस समस्या का आप ही कोई समाधान निकालें और हमारे राज्य को पहले जैसा फिर से हरा भरा कर दें। ये राजन, हमें पृथ्वी की पूजा करनी पड़ेगी और उस जमीन पर जाकर हमें इंद्र देवता को प्रसन्न करना पड़ेगा और तभी ही हमारे राज्य में बारिश होएगी। ठीक है ऋषिवर, जैसा आप कहते हैं हम वैसा ही करते हैं। महामंत्री, ऋषिवर के कहने पर यज्ञ की व्यवस्था की जाए और जैसा जैसा ऋषिवर ने बोला है वैसा वैसा हम अपने अपने क्षेत्र में जाएंगे और हर की व्यवस्था करेंगे। जो आ गया महाराज। हे राजन, अब वह घड़ी आ चुकी है जिसका हमें बेसमीर से इंतजार है। जी ऋषिवर, जैसा आप कहते हैं बताइए आगे क्या करना है। चलो राजन, हम यहाँ पर अब पृथ्वी माता को खुश करने के लिए एक यज्ञ करेंगे। जी ऋषिवर। हे राजन, मुझे लगता है कि हमें इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए अब आपको ही इस बंजर जमीन पर हल चलानी पड़ेगी, तभी ही इंद्र देवता
प्रसन्न हो। ऋषिवर जैसा आप कहते हैं मैं भी वैसा ही करता हूँ। मंत्री हल निकालो। ताड़ियां मार दो जोरदार ताड़ियां। सीता जमेगी सीता, सीता माता का जन्म होएगा। ताड़ियां मारो ताड़ियां।